सहरघाट थाना क्षेत्र के केरवा नहर के पास युवक की हत्या के बाद शव बरामद मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है। मृतक की दूसरी पत्नी अनीता देवी के बयान पर अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। उधर मधुबनी टेक्निकल सेल की टीम घटना स्थल पहुँच कर जाँच शुरू कर दी। पुलिस घटना से जुड़ी हर एक पहलू पर बारीकी से जांच कर रही है और हत्या की गुत्थी सुलझाने के काफी करीब पहुंच चुकी है। अनुसंधान के माध्यम से पुलिस कड़ी से कड़ी को जोड़ने में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक राम सेवक ठाकुर की तीसरी पत्नी पूजा ठाकुर उसके साथ खोरिया गई थी और सहरघाट पुल के पास झगड़ा होने के बाद बाइक से उतर गई, जिसके बाद युवक का हत्या हो जाता है। कॉल डिटेल्स में भी कई तथ्य सामने आए हैं। सवाल उठता है कि आखिर महिला फिर फुलहर किसके साथ गई? सहरघाट से थोड़ी ही दूर पर हत्या हो गई और महिला को पता नहीं चला। उधर घटना स्थल की दृष्टि से देखा जाए तो युवक के सिर पर लकड़ी के टुकड़ा से वार किया गया है। पीठ पर बैग और जेब में मोबाइल भी मौजूद था। खून के धब्बे NH सड़क पर कमला नहर पुल पर लगे बाइक पर भी था। फिर लाश 100 मीटर दूर कैसे मिला? अगर किसी से दुश्मनी होती या योजना बनाकर हत्या करना होता तो हथियार का इस्तेमाल किया जाता? इस तरह के कई सवाल है जिसके जद में पुलिस पहुँचने की कोशिश कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस घटना में कई लोग शामिल हो सकते हैं। जांच अंतिम चरण में है। अब देखना होगा कि आखिर पुलिस कब तक इस कांड का उद्भेदन करने में कामयाबी हासिल कर पाती है। साथ ही राम सेवक ठाकुर की हत्या के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मृतक की तीन बीवियां में तीन पुत्री और एक पुत्र है। पहली पत्नी अनीता देवी की उसके मायका सिसौनी में ही 8 वर्ष पूर्व अगलकी की घटना में मौत हो गई थी, जिसमें 2 पुत्री है, एक का विवाह हो चुका है और दूसरी 14 साल की है। वही दूसरी पत्नी अनीता देवी जिसका मायका हरलाकी है, जिसका एक पुत्र 10 वर्ष का है। तीसरी पत्नी पूजा ठाकुर जिसका मायका पटना है और प्रेम विवाह किया था, जिसके पास एक 7 साल की पुत्री है। मृतक और तीसरी पत्नी पूजा ठाकुर दोनों ब्यूटी पार्लर चला रहे थे। नायका काम करके ही मृतक दोनों पत्नी और बच्चे का भरण पोषण करते थे। घटना के बाद गाँव में तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। राम सेवक ठाकुर के मौत के बाद इन परिवार के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। समाज में परिवार के भरण पोषण को लेकर भी चिंता जताई जा रही थी। लोगों ने कहा कि एक राम सेवक ही तीनों परिवार का भरण पोषण करता था, अब इन परिवार के ऊपर कुदरत ने कहर बरपाया है। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।